वैरू करते अगली खबर की ओर और बात करते हैं कवर्धा की। गांव यहां पर खैर झुट्टी में एक बुजुर्ग दंपत्ति ने गंधर्व विवाह किया। इस अवसर पर उसके दो बेटे, एक बेटी और 15 नाती पोतों के साथ पूरा गांव शामिल हुआ। वधु का कन्यादान गांव के ही नवनिर्वाचित सरपंच ने किया। सरपंच के घर से बारात निकली गई और विवाह के बाद शामिल लोगों को उपहार भी दिए गए। श्री अखंड नौधा रामायण समारोह प्रतिभागी बेटा है, बहू है, तो सारी दुनिया का है रक्षा होवे मारवे तक के तीन मन इंखर मन आ गए दोनों के ते मन कहीं गंधर्व विवाह कर लेते तो सब गांव वाले के मन आ गए। तो गंधर्व विवाह रामायण के आगू में करीन है सहाबे मन। अच्छा, तो हाँ, सब गांव बस्ती वाले सब भाई मन है सब सहयोग करत रही ओकर हिसाब से हो इसे का है भटक है मत मोक्ष से मिल जाए सके के। तो वो शादी हाँ सब खुशी से मस्त शादी हो है। नहीं हुआ था तो उसके परिवार वाले के राय से और दोनों के सब मर्जी से और पूरा गांव वाले के सहयोग से हम लोग सब समिति वाले और मैं पंचायत के प्रतिनिधि के नाते से उसका शादी यहाँ नौधा रामायण के सामने में की और मैं स्वयं कन्यादान किया। ग्राम खैरजीटी की जो दो बुजुर्ग एक महिला और पुरुष जो है 50 वर्षों से प्रेम कर रहे थे, उन्होंने 14 तारीख जो वैलेंटाइन डे जो प्रेम प्रेम करने वालों के लिए एक विशेष दिन माना जाता है उस दिन उन्होंने हिंदू रीति रिवाज के साथ उन्होंने शादी कर ली है। हमारे साथ दूल्हा है, उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर इतने दिन तक शादी क्यों नहीं की है। आप बताइए इतने दिन तक आपने शादी क्यों नहीं की है। इसे साहब अब गरीबी भर रही से नहीं कर पाए। कतका दिन से आप प्रेम करते रहे प्रेम तो साहब आज का बहुत दिन हो गया। अच्छा आप किस जगह से शादी करेंगे। बढ़िया लगा साहब हमारे साथ वर वधु साथ में मौजूद है बिल्कुल बात करने आपको कैसा लगता है। 45 मिनट का समय को दिया जाएगा। अच्छा सगे बना लिए। अच्छा सगे बना लिए और आज का दिन में काबर नहीं करते रहे को एक गाँव वालों को मदद करें आप मन की शादी 45 मिनट पर अपना दोनों चौपाई और वर वधुओं को कह रहे हैं कि 50 साल से लगभग प्रेम कर रहे थे और आर्थिक समस्या के कारण से एक नहीं हो पाता है कि ग्रामीण वालों की मदद से हमने शादी कर ली है और हमको बहुत खुशी भी हो रही है। कैमरामैन अफजल खान के साथ गुप्ता। गोडा गांव।